नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19 के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से दृष्टि टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, इसलिए यह बुलेटिन ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। COVID-19 को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया 5T प्लान। मास लेवल पर होगी टेस्टिंग, 24/7 की जाएगी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। ग्लोबल लॉकडाउन के दौरान महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में वृद्धि, घर में ही असुरक्षित हुई दुनिया भर की महिलाएं, यूएन ने दिया कुछ उपायों का सुझाव। सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती, पीएम सहित सभी मंत्री इस कवायद में शामिल, भारत की संचित निधि में जाएगी बचाई गई रकम। COVID-19 से वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का अंदेशा, यूएन ने 1% तक आंकी विकास दर, कोरोना प्रकोप से पहले 2.5% था अनुमान। और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी, ग्लोबल नर्सिंग नाउ के साथ मिलकर WHO ने जारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट ने माना हाईली जेंडर्ड प्रोफेशन है नर्सिंग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए 5T प्लान लेकर आई है। इन 5Ts में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीमवर्क, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग शामिल हैं। आइए इनका एक एक कर जिक्र करते हैं। टेस्टिंग के तहत मास लेवल पर टेस्टिंग की जाएगी ताकि वास्तविक डेटा निकलकर सामने आ सके। शुरुआती तौर पर 50,000 लोगों की टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। इसके बाद 1,00,000 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। टेस्टिंग से संक्रमण के हॉटस्पॉट की जानकारी मिल सकेगी। गौरतलब है कि साउथ कोरिया मॉडल के तहत कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्रेसिंग में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो संक्रमित व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट में आए हैं। इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और पुलिस की मदद से यह नजर रखी जाएगी कि वे इसका पालन कर रहे हैं या नहीं। ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा ऐसे संक्रमित मरीज जो हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और 50 साल से अधिक उम्र के हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। जबकि ऐसे मरीज जो माइनर सिम्टम्स दिखा रहे हैं, उन्हें धर्मशाला या होटल्स में आइसोलेट किया जाएगा। टीम वर्क के तहत सभी के साझे प्रयासों से ही इस लड़ाई को जीतना संभव है। सभी राज्य सरकारों को साथ मिलकर एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। 5Ts में आखिरी T ट्रैकिंग मॉनिटरिंग से संबंधित है। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने 24/7 ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की बात कही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि ग्लोबल लॉकडाउन के दौरान महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में इजाफा हुआ है। उनका मानना है कि घर ही महिलाओं के लिए खतरनाक होता जा रहा है, जहां महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित होनी चाहिए। इस बाबत भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कुछ दिनों पहले चिंता जाहिर की थी। दरअसल महामारी के कारण मूवमेंट पर लगने वाले प्रतिबंधों ने न केवल आर्थिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाया है, बल्कि लगभग सभी देशों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को भी बढ़ा दिया है। WHO के मुताबिक जो महिलाएं शारीरिक या यौन शोषण से पीड़ित होती हैं, उनके गर्भपात की संभावना दोगुनी हो जाती है। साथ ही ऐसा कोई अनुभव उन्हें अवसाद में ले जा सकता है। बहरहाल, महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे सरकार को ऑनलाइन सेवाओं और सिविल सोसाइटी में निवेश बढ़ाना चाहिए, न्यायिक प्रणाली दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाना जारी रखे, फार्मेसी और किराने की दुकान में आपातकालीन चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाए, आश्रय स्थलों को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाए, ऐसे सुरक्षित तरीके अपनाए जाएं जिससे कि अपराधी को पता चले बिना महिलाएं उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकें, किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दोषी कैदियों को रिहा करने से बचा जाए। COVID-19 के संकट का सामना करने के लिए चीन कई देशों को मास्क, सैनिटाइजर और मेडिकल हेल्प मुहैया करा रहा है। विशेषज्ञ चीन के इस कदम को मास्क डिप्लोमेसी का दर्जा दे रहे हैं। द डिप्लोमेट में छपे लेख के मुताबिक चीन की मास्क डिप्लोमेसी के तहत देशों को लॉन्ग टर्म डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। प्राकृतिक आपदा और जन स्वास्थ्य संकट के दौरान देशों को मदद पहुंचाकर चीन उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच स्थापित करना चाहता है। इससे चीन के निर्यात को बढ़ावा मिलता है, साथ ही चीन के बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल इक्विपमेंट उद्योगों के बाजार शेयर में भी इजाफा होता है।
आपको बता दें कि डिप्लोमेसी का प्रयोग विदेश नीति के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर किया जाता है। इसके जरिए सरकारें दूसरे देशों के निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। विशेषज्ञों द्वारा डिप्लोमेसी के प्रकारों को ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ट्रैक 3 और मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी द्वारा परिभाषित किया गया है। इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों को कोरोना के दौरान हॉस्पिटल्स पर होने वाले संभावित साइबर हमलों के मद्देनजर चेताया है। इंटरपोल ने इस संबंध में सदस्य देशों को पर्पल नोटिस भी जारी किया है। इंटरपोल की बात करें तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। अपने 194 सदस्य देशों के साथ इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। भारत 15 अक्टूबर 1949 से इसका सदस्य है। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि इंटरपोल 8 तरह के नोटिस जारी करता है। इसमें रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, पर्पल और इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस शामिल हैं। रेड नोटिस वांटेड पर्संस के लिए, येलो मिसिंग पर्संस के लिए, जबकि ब्लू नोटिस अपराध से जुड़े व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा ब्लैक पहचान न हो पाने वाले शवों के लिए और ग्रीन वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए जारी किया जाता है। ऑरेंज नज़दीकी संकट के लिए, वहीं पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपकरण, तरीके और उनकी कार्यप्रणाली की सूचना जानने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इसके अलावा इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस ऐसे व्यक्तियों और समूहों के लिए जारी किए जाते हैं जो UN सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस कमेटी के निशाने पर होते हैं। बीते दिनों भारत ने विश्व व्यापार संगठन के पीस क्लॉज का सहारा लिया है। इस प्रकार पहली बार किसी देश ने WTO के अंदर इस व्यापारिक सुरक्षा का इस्तेमाल किया है। दरअसल भारत ने 2018-19 के लिए किसानों को चावल की खेती पर 11.46% की सब्सिडी दी, जो कि WTO के 10% के सहायता मानक से अधिक है। इस संबंध में भारत ने WTO को सूचित किया कि ऐसा सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम के तहत करना जरूरी था। गौरतलब है कि भारत के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के अंतर्गत गरीबों को चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए सरकार इन खाद्य फसलों की खरीद करती है। इस आधार पर देखें तो भारत पीस क्लॉज का उपयोग करने की शर्तों को पूरा करता है। हालांकि इस बाबत WTO की कृषि संबंधी समिति में चर्चा की जाएगी, जिसमें भारत यह उम्मीद कर रहा है कि कोई भी अन्य देश विवाद नहीं बढ़ाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि COVID-19 महामारी की परिस्थिति में क्या WTO के विकसित देश विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा को प्रधानता देते हैं या फिर उनकी बाजार तक अपनी पहुंच की प्राथमिकता बरकरार रहती है। आपको बता दें WTO के बाली सम्मेलन में विकसित पीस क्लॉज किसी देश को अपनी खाद्य फसलों की खरीद के दौरान सब्सिडी की सीमा से अधिक खर्च कर देने पर WTO की कार्रवाई से बचाता है। दरअसल WTO का मानना है कि अधिक सब्सिडी देशों के मध्य व्यापार में रुकावट का काम करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी सांसदों की सैलरी में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30% की कटौती की जाएगी। सभी सांसदों में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी शामिल है। इसके अलावा MPLATs यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड्स को दो सालों यानी 2020-21 और 2021-22 के लिए सस्पेंड किया गया है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यपालों ने अपनी इच्छा से सैलरी में 30% की कटौती का निर्णय लिया है। इस बचाई हुई रकम को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि में जमा कराया जाएगा। आपको बता दें कि भारत की संचित निधि की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है। इस निधि को खर्च करने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेनी होती है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए लोन्स, सरकार द्वारा दिए गए लोन्स पर मिला ब्याज आदि सभी इसी निधि में जमा किए जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उससे संबंधित संस्थाओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में काम करने की बात कही है। इसमें वन स्टॉप सेंटर्स को लोकल मेडिकल टीम्स, पुलिस और नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से लिंक करने का निर्देश दिया गया है। इससे लॉकडाउन के दौरान भी वे काम कर सकेंगे।
दरअसल महिला आयोग ने इस दौरान घरेलू हिंसा और यौन शोषण की शिकायतों में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की है। इसके अलावा यूएन ने सोशल सपोर्ट, हेल्पलाइन और काउंसलिंग को एसेंशियल सर्विसेज घोषित करने की बात कही है, जिससे लॉकडाउन के दौरान भी संकट में फंसी महिलाएं मदद ले सकें। आपको बता दें कि वन स्टॉप सेंटर के संबंध में उषा मेहरा आयोग ने सिफारिश की थी। ऐसी ही अन्य सिफारिशों के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर वन स्टॉप सेंटर लॉन्च की थी। इसके तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत मदद मुहैया कराई जाती है। वन स्टॉप सेंटर एक अम्ब्रेला स्कीम नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की सब स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा है कि कोर्ट हियरिंग में लोगों को प्रतिबंधित करना विधि सम्मत है। गौरतलब है कि कोर्ट हियरिंग में लोगों को शामिल न होने देने का निर्णय कोविड 19 के फैलाव को रोकने के लिए लिया गया है। कोर्ट का यह निर्णय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करता है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं कर रहे हैं। मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ बनाए रखने के लिए लोगों की न्याय तक पहुंच महत्वपूर्ण है। कोविड 19 की चुनौती से लड़ते हुए हमें संवैधानिक प्रतिबद्धता भी बनाए रखनी है। ऐसे में भारतीय न्याय व्यवस्था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय अनुच्छेद 142 में वर्णित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो जनहित में पूर्ण न्याय के लिए जरूरी हो। यह आदेश देश भर में लागू होता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 23 सितंबर 1980 को लागू हुआ था। यह अधिनियम केंद्र या राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा, विदेश संबंधों को खराब करने, पब्लिक ऑर्डर और समुदाय के लिए ज़रूरी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास करता है, तो ऐसी गिरफ्तारी होती है। इस अधिनियम के तहत अधिकतम 12 महीने के लिए गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर सरकार को कोई नया सबूत मिलता है तो इस गिरफ्तारी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सामान्य गिरफ्तारी के मामले में व्यक्ति को कुछ अधिकार, मसलन गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर कोर्ट के सामने लाया जाना और वकील से कंसल्ट करना आदि मिलते हैं, जबकि NSA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। NSA के तहत व्यक्ति को 5 दिनों तक बिना कारण बताए गिरफ्तार रखा जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिन की हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 1% तक पहुंच सकती है। यहां तक कि यूएन का मानना है कि अगर पर्याप्त राजकोषीय प्रतिक्रियाओं के बिना आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध आगे बढ़ाया जाता रहा तो विकास दर और भी कम हो सकती है। कोविड 19 प्रकोप से पहले 2020 के लिए अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर का अनुमान था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA ने अपने विश्लेषण में बताया कि कोविड 19 महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर रही है। इस दौरान बहुत से देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर रखा है, जिससे लोगों और वस्तुओं का प्रवाह रुक गया है। देशों के अंदर लॉकडाउन जैसे कदमों की वजह से उत्पादन और सामान्य व्यापार पर अलग बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन कारणों से निकट भविष्य में लाखों लोगों की नौकरी जाने की संभावना है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी आ सकती है। उपाय के तौर पर UNDESA का सुझाव है कि एक उचित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को थोड़ा राहत दे सकता है। इस पैकेज में परिवारों को आय सहायता और इस महामारी से लड़ने के लिए उम्दा स्वास्थ्य अवसंरचना का जल्द विकास जैसे तत्व शामिल होने चाहिए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 1.4% तक की कटौती की है।
यह कदम इन योजनाओं की ब्याज दरों को बैंक के ब्याज दरों के समकक्ष लाने के लिए किया गया है। दरअसल कोविड 19 की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में कटौती की, जिसके बाद बहुत से बैंकों ने भी अपनी जमा दर को कम कर दिया है। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजना के तहत कुल 9 प्रकार के खाते आते हैं। डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता, राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, राष्ट्रीय बचत पत्र खाता, किसान विकास पत्र खाता और सुकन्या समृद्धि खाता। इन लघु बचत योजनाओं पर अन्य बैंक जमा दर की तुलना में ज़्यादा ब्याज दर दी जाती है, जो कि हर 3 माह पर नोटिफाइड की जाती है। साथ ही इनमें से कुछ खातों में जमा राशि पर आयकर में छूट मिलती है, तो कुछ खातों के भुगतान की आश्वस्तता सरकार देती है। लघु बचत योजनाओं के तहत जमा सभी राशि 1999 में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स को जाती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। इससे किसानों को खुद से मंडियों में फसल लाने की ज़रूरत कम होगी। कोविड 19 के प्रभावों को देखते हुए यह कोशिश की जा रही है, जिससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी मजबूत किया जा सके। नए फीचर्स में नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मॉड्यूल और लॉजिस्टिक मॉड्यूल शामिल हैं। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट मॉड्यूल के तहत WDRA यानी वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड और राज्यों द्वारा डीम्ड मार्केट घोषित किए गए वेयरहाउस में किसान अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। इससे लॉजिस्टिक लागत और मंडी में भीड़ को कम किया जा सकेगा। FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल में उत्पाद की फ़ोटो को कलेक्शन सेंटर से ही अपलोड किया जा सकेगा। यहाँ से उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी अपलोड की जा सकेगी, जिससे बोली लगाने वाले पहले से ही उत्पाद के बारे में जान सकेंगे। इसका मकसद भी लॉजिस्टिक लागत और मंडी में भीड़ को कम करना है, जबकि लॉजिस्टिक मॉड्यूल के तहत कृषि उत्पादों का परिवहन आसान होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर नर्सेज के महत्व को रिकग्नाइज करते हुए WHO द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट को WHO द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज और ग्लोबल नर्सिंग नाउ कैंपेन के साथ मिलकर तैयार किया गया है। गौरतलब है कि फ्लोरेंस नाइटेंगल को मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार नर्सिंग हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल ग्रुप है। हेल्थ प्रोफेशंस में इनकी हिस्सेदारी लगभग 59% है। लोअर और लोअर मिडिल इनकम वाले देश नर्सों की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा नर्सिंग प्रोफेशन को हाईली जेंडर्ड प्रोफेशन का दर्जा दिया गया है। लगभग 90% नर्सिंग प्रोफेशन में महिलाएं काम करती हैं। सतत विकास लक्ष्य 3 सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर 18 मिलियन हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ घोषित किया है। बीते 2 अप्रैल को ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सभी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को कोरोना वायरस का परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। इनमें CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। इससे CSIR लैब्स को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल आसानी से मिल सकेंगे। इसके बाद ही सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CSIRCCMB हैदराबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी CSIR IGIB दिल्ली ने वायरस की सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किसी जीव के DNA न्यूक्लियोटाइड के क्रम को समझा जा सकता है। यह जीव के संबंध में अहम जानकारियों को समझने में मदद करता है। इसलिए SARS-CoV-2 की जीनोम सीक्वेंसिंग से यह समझने में मदद मिलेगी कि वायरस कहाँ से आया है, कैसे फैलता है और भारत में इसके कितने अलग स्ट्रेन्स हैं। 7 अप्रैल तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत ने कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के 9 जीनोम सीक्वेंस को GIS-AID के साथ साझा किया है। इन सभी जीनोम सीक्वेंस को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा साझा किया गया है,
WHO ने देशों द्वारा जीनोम सीक्वेंस साझा करने के लिए GISAID यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा को 2008 में शुरू किया था। हाल ही में यह बात सामने आई है कि COVID-19 से संक्रमित रोगियों के एक समूह में प्रतिरक्षा प्रणाली के अत्यधिक सक्रिय हो जाने की वजह से उनकी हालत गंभीर हो जा रही है। वैज्ञानिक CSS यानी साइटोकाइन स्टॉर्म्स सिंड्रोम को इसका कारण बता रहे हैं। सामान्यतः COVID-19 के गंभीर परिणाम 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों या पहले से ही हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, सांस की बीमारी और कैंसर से ग्रस्त लोगों पर ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह बीमारी किशोरों और युवाओं को प्रभावित नहीं कर रही। CSS के लक्षण मुख्यतः इस बीमारी से ग्रसित युवाओं और किशोरों में ही दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को नष्ट करके विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली तब सक्रिय हो जाती है जब शरीर में बैक्टीरिया, कवक, वायरस जैसे एंटीजन प्रवेश करते हैं जिन्हें शरीर नहीं पहचान पाता। एक प्रभावी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया में इन्फ्लेमेशन एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा होता है। इन्फ्लेमेशन शरीर के समस्याग्रस्त हिस्से में बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी कोशिकाओं को भेजने के लिए रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी कर देता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन की इस प्रक्रिया को नियमित नहीं किया गया तो यह ज़रूरत से कहीं ज़्यादा संख्या में इन प्रतिरक्षा कोशिकाओं को भेजने लगता है। इससे हानिकारक एंटीजन के साथ साथ आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों को भी नुकसान पहुँचने लगता है। ऐसी स्थिति को ही साइटोकाइन स्टॉर्म्स सिंड्रोम कहा जाता है। इससे मानव शरीर में सेप्सिस यानी रक्त विषाक्तता की संभावना बढ़ जाती है और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। आपको बता दें कि साइटोकाइन प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित प्रोटीन होते हैं। इन कोशिकाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के कारण साइटोकाइन का उत्सर्जन भी तेजी से होता है और इसी को साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। बीते दिनों भारत सरकार के DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैश्विक महामारी COVID-19 से निपटने के लिए CAWACH पहल के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। CAWACH यानी सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद COVID-19 हेल्थ क्राइसिस के तहत COVID-19 के प्रकोप को कम करने या रोकने वाले नवाचारों और स्टार्टअप को सहयोग दिया जाएगा, साथ ही उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। CAWACH की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में SINE यानी साइन को चुना गया है। साइन यानी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे का एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर है जो कि DST द्वारा मान्यता प्राप्त है। गौरतलब है कि भारत में DST COVID-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस समय DST COVID-19 के नियंत्रण और शमन के लिए आवश्यक प्रयास जैसे वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा विज्ञान, सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधानों और नवाचारों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अंतर्गत ही CAWACH पहल मुख्यतः उन स्टार्टअप्स के नवाचारों को सहायता मुहैया कराएगी जिनके उत्पाद अगले 6 महीनों के भीतर बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने COVID-19 के उपचार के लिए थोक दवा निर्माताओं की परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से छूट को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह छूट एक अंतरिम उपाय के तौर पर 30 सितंबर तक ही रहेगी। इसके बाद इन परियोजनाओं में होने वाले परिवर्तनों में पूर्ववर्ती नियम को ही आधार बनाया जाएगा। अब 30 सितंबर 2020 तक प्राप्त सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स से संबंधित परियोजनाओं या गतिविधियों के सभी प्रस्ताव को B2 श्रेणी के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्णित नियमों के अनुसार परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ए श्रेणी की परियोजनाओं का मूल्यांकन पर्यावरण मंत्रालय करता है जबकि बी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को राज्यों द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। श्रेणी B2 के तहत आने वाली परियोजनाओं को EIA और सार्वजनिक सुनवाई से छूट प्राप्त होती है। मंत्रालय का मानना है कि COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए दवा की उत्पादकता और उपलब्धता को बढ़ाना बहुत जरूरी है जिससे कि इस महामारी को रोकने का एक सक्षम तंत्र बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने C3 यानी चैलेंज कोविड 19 कंपटीशन की शुरुआत की। इस कंपटीशन में इनोवेटिव नागरिकों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य समाज की विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों में न केवल जागरूकता पैदा करना बल्कि उनके द्वारा नए समाधान लाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करना भी है। NIF भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट लैब्स को कोविड 19 के टेस्ट मुफ्त में करने चाहिए। हालांकि प्राइवेट लैब द्वारा किए गए टेस्ट के पैसे वापस किए जाएंगे या नहीं, इस पर कोर्ट ने बाद में निर्णय लेने को कहा है। गौरतलब है कि ICAMR ने प्राइवेट लैब्स को कोविड 19 के टेस्ट के लिए 4500 रुपए का शुल्क तय किया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। भारत सरकार ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही कोविड 19 के उपचार के रूप में इस दवा की अहमियत को देखते हुए देश हित में सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, पर मानवीयता के मद्देनजर इस महामारी के वक्त में भारत सभी पड़ोसी देशों और महामारी से अत्यधिक प्रभावित देशों को इस दवा की आपूर्ति करेगा। हाल ही में विश्व बैंक ने इंडिया कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट को अपने फास्ट ट्रैक पैकेज के तहत $1 बिलियन की राशि देने की मंजूरी दी है। विश्व बैंक द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को दिया जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा सहयोग है। यह सहयोग भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करेगा। गौरतलब है कि विश्व बैंक ग्रुप विकासशील देशों की कोविड 19 की रिस्पांस क्षमता को बढ़ाने के लिए $14 बिलियन का फास्ट ट्रैक पैकेज लेकर आया है। इसमें से $6 बिलियन की शुरुआती राशि IBRD और IDA मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे, जबकि IFC $8 बिलियन महामारी से प्रभावित निजी कंपनियों की सहायता के लिए देगा। हाल ही में भारत ने मालदीव को कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की। लॉकडाउन की वजह से इन दवाओं को भारत के विभिन्न शहरों से खरीदा गया, फिर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत इसे मालदीव तक पहुँचाया। बीते दिनों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश में आवश्यक वस्तुओं की बराबर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए एयर इंडिया और अन्य विमानन कंपनियों की सहायता से आवश्यक वस्तुओं जैसे दवाओं एवं खाद्य पदार्थों को देश के रिमोट एरिया तक पहुँचाया जाएगा। सरकार ने कोविड 19 से संबंधित आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित किया गया है। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। हाल ही में भारत और चीन के मध्य कार्गो एयर ब्रिज की घोषणा हुई। यह एयर ब्रिज दोनों देशों के मध्य मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं की नियमित आपूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका संचालन एयर इंडिया के द्वारा हो रहा है। CSIR के IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक पेपर स्ट्रिप टेस्टिंग किट तैयार किया है। इसमें क्रिस्पर Cas9 तकनीक की मदद से कोरोना वायरस के जीनोमिक अनुक्रम की पहचान की जाएगी। यह पेपर स्ट्रिप सैंपल में कोविड 19 का पता 1 घंटे के भीतर ही लगा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर परीक्षण की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। कोविड 19 महामारी के कारण अस्पतालों में वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए IIT रुड़की ने ऋषिकेश में अवस्थित एम्स के साथ मिलकर प्राण वायु विकसित किया है। यह एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जिसे मात्र 25,000 रुपये में निर्मित किया जा सकता है। पहली बार चीन पेटेंट आवेदन के क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर काबिज हो गया है। देशों के लिए पेटेंट की मान्यता प्रणाली की देखरेख करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक पिछले साल चीन से 58,990 आवेदन आए, जबकि अमेरिका ने 57,840 ही दर्ज किए। गौरतलब है कि 1978 में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत के बाद से प्रत्येक साल अमेरिका ही सबसे अधिक पेटेंट आवेदन दर्ज करता रहा है।
बीते दिनों पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए जियो फेंसिंग ऐप लॉन्च किया। इसके तहत प्रत्येक क्वारंटाइन व्यक्ति को ऐप डाउनलोड करना होगा और हर घंटे के बाद उस ऐप पर अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। इसके माध्यम से उसके लोकेशन का अपडेट स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को मिलता रहेगा। क्वारंटाइन व्यक्ति को इस तरीके से उनके क्वारंटाइन स्थान के 500 मीटर के रेडियस में बांधा जा सकेगा। कोविड 19 के प्रभाव के चलते केरल वन विभाग ने प्रोजेक्ट वनिका की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत वन विभाग अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क नैयार और पेपर वन क्षेत्र में रहने वाले जनजाति लोगों को द्वारा संग्रहित किए गए वन उत्पादों को खरीदकर व्यापारिक संस्थानों तक पहुंचा रहा है। 1997 में स्थापित अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क केरल स्थित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।